क्या कोई ट्रांसक्रिप्ट कहीं में देख, मुझे नहीं चाहिए वो। एनीवे जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 का ये लेक्चर नंबर 2 है। क्या ये S20 EPS लेक्चर 2 है? दिस इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ द लेक्चर नंबर 1 ऑफ लास्ट वीडियो। अब हम यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, 2, 3 वी डिड इन लास्ट टाइम, हम आगे कर रहे हैं। स्टार्ट राइटिंग क्वेश्चन 4, स्टार्ट राइटिंग क्वेश्चन 4। सो 1 अक्टूबर रिसीव्ड कॉल ऑन 15,000 शेयर्स ऑफ 20 ईच एट 5 पर शेयर। अर्निंग्स ₹7 लाख। कैलक्यूलेट 7 लाख, कैलकुलेट बेसिक अर्निंग पर शेयर। ओके, ये क्वेश्चन खत्म हुआ। आंसर में मैं सबसे पहला एक फॉर्मूला लिखता हूं जो हम लोग नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं। क्या फॉर्मूला है? अर्निंग्स। अर्निंग्स माने क्या? प्रॉफिट। किसके लिए? फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। डिवाइड बाय वेटेड एवरेज of number of equity share. अब मैं टाइमलाइन ड्रॉ करता हूं। ओके, वन फोर जीरो एट मार्च 09 ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में आई हैव गॉट टू थिंग, 10,000 शेयर्स एट 6 पेड, वन मोर 15,000 शेयर्स 7 पेड। देन ये देखो यहां से क्वेश्चन है। देन 1 जून क्या हुआ है? 1 जून को पब्लिक इश्यू, ट्वेंटी थाउजेंड शेयर्स 8 पेड। And what happens on October? Received call. Kitna? 15,000 shares at 5. Ye hamara question hai. ठीक है, आपको कुछ समस्या पता चला क्या है? व्हेन आई डिवाइड अर्निंग बाय नंबर ऑफ शेयर्स, डू यू अंडरस्टैंड इश्यू की जरा है? अब हम सम करेंगे ना, अर्निंग्स दिया 7 लाख, आई डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन टाइम, दैट इज ओके, बट वेयर इज द इश्यू? हाँ, दे आर डिफरेंटली पेड शेयर्स। आई कैन नॉट डिवाइड 10,000 एंड 15,000 को, मैं इक्वेट नहीं कर सकता हूँ। They are differently paid up. अब क्या करना पड़ेगा? If I want to divide by number of share, then they should be similar paid up.
इफ आई वॉन्ट टू डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर, दो तीन टू थ्री डिफरेंट टाइप का शेयर है तो भी इट शुड बी सिमिलर पेड अप. सो वेन दे आर डिफरेंटली पेड अप, कन्वर्ट ऑल द शेयर्स इन टू सिमिलर पेड अप वैल्यू. Convert all the shares into 100 paid, 10 paid, 1 paid, whatever it is. So what can be the easiest way of conversion, pata hai? 1 rupee per share. In that case, your paid up capital itself is number of share. If all the shares are 1 rupee, say for example, 20,000 shares, 1 each. Toh batao, paid up capital kitna hai? 20,000 and number of share be 20,000. If all the shares are 1 rupee, so paid up capital is same as number of share. Kyunki mujhe sabko similar paid up value karna hai, so easiest way of converting kya hai? Easiest way? Convert all the shares into 1. So what will happen? Your paid up capital will become same as number of share. बाद में जैसे करते हैं ना वेटेड एवरेज कर देना, तो जो आंसर आएगा वैल्यू पर शेयर वो 1 रुपी के हिसाब से आएगा. 1 रुपी शेयर सो मच इज अर्निंग पर शेयर. बात समझ में आया? लिखो ये बात, नोट, इंपॉर्टेंट नोट है. नोट मतलब हमारे एग्जाम में लिख सकते हैं. सिंस शेयर्स आर differently paid up first convert into similar paid up value we have converted all shares into rupee 1 paid. Hence, number of shares of 1 each will be same as paid up share capital. Since shares are differently paid up, first convert into similar paid up value. We have converted all the shares into rupee 1 paid. Hence, number of shares of 1 each will be same as paid up share capital. क्या ये concept समझ में आया? आप 10 भी convert कर सकते हैं. बट वो कैलकुलेशन लंबा होते जाएगा, मोर एंड मोर विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड. ये इजीएस्ट रहेगा. तो बताओ अब बेसिक ईपीएस कैसे कैलकुलेट करूं? आप ही लोग मुझे मदद करो. सो बताओ बेसिक ईपीएस कैसे कैलकुलेट करूं? जस्ट हेल्प मी. अर्निंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर. नंबर ऑफ शेयर इज पेड अप वैल्यू, 1 रुपी वाला है. सो 10,000 इंटू 6 ना, मतलब 60,000 हो गया ही नहीं मेरी पेड अप कैपिटल. हाउ मेनी मंथ? 60,000, 12 आउट ऑफ 12 और 15,000 शेयर्स इंटू 7, 1,05,000 रुपीज हो गया. वही 1,05,000 शेयर्स हो गया. हाउ मेनी मंथ? 20,000 shares into 8, मतलब 1,60,000 हो गया. नंबर ऑफ शेयर भी 1,60,000 हो गया. हाउ मेनी मंथ? अप्रैल एंड मई छोड़ के, लीव द अप्रैल एंड मई, जून टू मार्च 10 मंथ प्लस 15,000 शेयर इंटू 5 कॉल मनी. अक्टूबर टू मार्च
लिख रहा है कि नहीं? या टेल मी एनी इश्यू, एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? फील फ्री टू आस्क. ओपनिंग 20 की जगह 10 and 15 है, 10 and 15 है ओपनिंग में. हाँ हाँ, प्लीज कैलकुलेट. या बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, राउंड ऑफ कर देते. 33.33 shares. या वो मैं लिखता हूँ ना. इट कम्स 2.084 पर वॉट? पर रुपी वन, पर रुपी वन ऑफ इक्विटी शेयर और शेयर पर वन रुपी ऑफ इक्विटी शेयर. ठीक है. तो कैलकुलेशन में ये जो भी आंसर आया ना वन का था, तो मुझे सबको मल्टीप्लाई बाय ये जो भी किया ना आपने, जो भी कैलकुलेशन, इनको इनटू 10, मतलब आपको वन रुपी वाला है, 10 वाला करना है तो डिवाइड बाय 10 करना होगा ना वापस से, एक बार 1/10 करना होगा. तो कैलकुलेशन और लंबा हो जाता है एंड चांस ऑफ एरर बहुत ज़्यादा हो जाता है. नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, चांस ऑफ एरर है. ठीक है, अब खत्म नहीं हुआ अभी हमारा. अभी लास्टली कैलकुलेशन ऑफ बेसिक ईपीएस. ठीक है, टाइप ऑफ शेयर्स एंड बेसिक ईपीएस. पहला है, फर्स्ट वन कौन सा है देखते हैं हम लोग. What is your first one? Let us see first one क्या है. पता है ना, इमरजेंसी में ये भी चार्जर अवेलेबल है, वायर है तो. जैसे हम कंप्यूटर से फोन चार्ज करते हैं ना, पता है ना, हम कंप्यूटर से फोन चार्ज करते हैं, तो ये स्मार्ट बोर्ड से भी तो चार्ज कर सकते हैं ना हम लोग. ये भी तो कंप्यूटर है ना, इसमें भी तो यूएसबी है ना इधर. समझ में आया? क्योंकि मेरा जितने स्लॉट है वो ऑक्यूपाइड है, एक में कैमरा लगा है, एक में माउस लगा है. चलिए, फर्स्ट टाइप ऑफ शेयर बताइए. फर्स्ट टाइप ऑफ शेयर 10 each 6 paid है. देखिए ना, फर्स्ट टाइप ऑफ शेयर 10 इंच फेस वैल्यू बट 6 पेड वाले हैं. अलग अलग टाइप ऑफ शेयर है तो सबका ईपीएस अलग होता है. तो फेस वैल्यू 10, 6 पेड है तो उसका बताओ 6 पेड के हिसाब से ईपीएस कितना आएगा. 6 पेड के हिसाब से बोलिए ईपीएस कितना आएगा.
2.084 पर शेयर है, ये 1 रुपी वाले हैं, इनटू 6 करेंगे कितना आ गया 12.5, तो 51, ठीक है ना। सो ये पहली टाइप ऑफ शेयर है, 6 पेड वाले है, मतलब ये 1 रुपी वाले है ना, सब कुछ सब मैं डिवाइड कुछ नहीं कर रहा हूं, ये 1 वाले है ना मेरे, तो 2 रुपीज 8 पैसे है मेरा ईपीएस है फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ शेयर, एवरी 1 पेड अप शेयर, और अभी मेरा 6 पेड अप है, तो क्या करूं, मतलब ना 1 रुपी वाले का 2 है तो 6 वाले का 12 हो जाएगा, क्लियर। 1 रुपी वाले का मेरा ईपीएस 2 रुपी 8 पैसे है, तो ये वाला फर्स्ट टाइप ऑफ शेयर क्या है, 10 इज 6 पेड है, तो उसका ईपीएस बताओ कितना हो जाएगा, हाँ बताओ ना। अच्छा दूसरा बताओ, दूसरा वाला बोलो, नहीं फेस वैल्यू 20 है, पेड अप वैल्यू कितना है, सोच के आंसर दो, 7 रॉन्ग आंसर है, हाँ बताओ कैसा है, 12 कैसा है, राइट है तुम्हारा, 12 कैसा है बताओ, हाँ 7 पेड इधर है, और वही 20,000 का, नहीं वही सॉरी ये 15,000 है, वो 15,000 पर 5 रुपीज कॉल मिला था, देखो ना 15,000 शेयर्स ऑफ 20 ईच, 5 रुपी कॉल मिला था, प्रत्यक्ष देखा आपने 7 इधर है, 15,000 वाला शेयर है 20 वाले, तो वही इधर है 15,000 वाले शेयर है 20 फेस वैल्यू, 5 कॉल मनी है, नाउ दैट 5 कॉल मनी है तो पेड अप बताओ कितना हो जाएगा, 7 + 5 12 हो जाएगा ना, सो सेकंड टाइप ऑफ शेयर बताइए कौन सा है, हाँ फेस वैल्यू 20 है, 7 + 5 12 पेड है, नाउ दैट इट इज 12 पेड, क्या बता सकते हैं, डबल हो गया ना, 12.51 का डबल 0100 जो भी है, दैट्स ओके, नहीं पड़ता, आगे और कौन सा है, तीसरा थर्ड टाइप क्या है, ये तो देखिए थर्ड वन, ये हो गया, ये हो गया, अभी पब्लिक इश्यू है, पब्लिक इश्यू के बारे में देखो क्या लिखा है, 20,000 शेयर्स ऑफ 10 इच 8 पेड है, उसके बारे में आगे कुछ नहीं है, सो 10 रुपीज फेस वैल्यू 8 पेड है, फेस वैल्यू 10 है 8 पेड है, That's okay. So, अभी हमने क्या सीखा, डिफरेंटली पेड, अभी हम लोग एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर चल रहे हैं, राइट इश्यू पे चले, हम लोग एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पर जा रहे हैं, सीए करने वाले ध्यान से देखना, ये बात अलग है, सीए करने वाले लेक्चर नहीं बैठा है, बिजी है थोड़े, क्वेश्चन तो बताओ, चलो क्वेश्चन लिखे, अर्निंग्स मतलब प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट,
एक मिनट, क्या बोला वापस बोलो, वापस बोलो, तुमने क्या बोला? यू सेड समथिंग, हाँ अरे यार चलिए, देन 1407 ओपनिंग बैलेंस 10,000 शेयर्स, 1117 पब्लिक इश्यू. सर बाई वे की तो पढ़ना, अटेंडेंस अटेंडेंस सर आपको ध्यान रखना है, सर संभलना है, आपका लेक्चर नहीं है ना आज, तीन टेस्ट है. सर सेकंड रैंक होल्डर है मालूम है ना, आईपीसीसी में इंटर सीए में ऑल इंडिया सेकंड रैंक. सबको मैंने बहुत बार बोला आप सोच लेना टीचिंग में जाना है कि इंडस्ट्री में जाना है. हाँ मैं हाँ पढ़ा तो कोई भी सकता है ना, सीए तो मैं हूं ना, सीए में इंडियन सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट में दोनों हूँ, एलएलबी भी है, मास्टर इन बिजनेस फाइनेंस भी है, डिप्लोमा इन आईएफआरएस यूके एसीसीए भी है. 3000 शेयर फिर भी मैं डेबिट ऑन द लेफ्ट क्रेडिट ऑन द राइट कर रहा हूं, राइट इश्यू 10,000 शेयर्स. सॉरी बाकी है ना, वी हैव लेफ्ट द प्लेस आई नो, राइट इश्यू 30 इच, फेयर वैल्यू कम राइट, फेयर वैल्यू कम राइट 40, दैट इज प्राइस before right. I'll explain this. Calculate basic EPS for 7-8 8-9 and restated for 2007-8. Restated word याद आया, if you attended last lecture, bonus में होता है, याद है ना, जब भी bonus share दिया जाता है, it is always from first day of the current year and last year का हम restate करते हैं, recalculate करते हैं, उतना part में repeat नहीं कर सकता, क्योंकि उनके लिए आपको video देखना होगा, पूरा concept क्या है, restate का. अपने attend किया था last lecture, चले? ओके, टू ईयर का क्वेश्चन है, ये टू ईयर का है, जब राइट इश्यू आएगा सेकंड ईयर में तब हम समझेंगे क्या है, ठीक है, विल सी राइट इश्यू का कैलकुलेशन, बट फिलहाल मैं सम स्टार्ट करूं, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, पहला तो एक बार फॉर्मूला लिखी दो हमारी, थोड़ी सी फॉर्मूला फॉर बेसिक ईपीएस, श्रुति तुम जो सोचती है ये बेसिक ईपीएस, तो और कौन सा ईपीएस होता है जो तुम सोच रही है, उसका आंसर सुनो, उसका कौन सा है वो बाद में बताएगा, ये जस्ट एक बेसिक ऐसे बेसिक, देयर इज समथिंग एल्स, वही सोच रही है ना कब से कि बेसिक क्यों बोलते हैं सर. चलिए फॉर्मूला बताइए, अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स
डिवाइड बाय वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स डिवाइड बाय वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयरहोल्डर्स. तो आप जरा टाइमलाइन बना दो फर्स्ट ईयर का. फर्स्ट ईयर की टाइमलाइन बना देते हैं हम. 147 मार्च 8 ओपनिंग 10,000 शेयर. एंड पब्लिक इश्यू 111 में है तो इधर ही है 111 पब्लिक इश्यू. कितने शेयर का है? 111 पब्लिक इश्यू. देन इफ यू नोटिस वेरी केयरफुली सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन नेक्स्ट ईयर में होता है. आप पब्लिक इश्यू के बाद वाले ट्रांजेक्शन देखिए ना. पब्लिक इश्यू के बाद वाले ट्रांजेक्शन देखो वो 1 June 8 है. वो मार्च 8 के बाद है. 2 years है ना. तो नेक्स्ट ईयर में आएंगे. सो करंट ईयर में इतना ही है. यहाँ तक का कैलकुलेशन तो एकदम ईजी है. स्ट्रेट पे कर दो. सो बताइए बेसिक ईपीएस कितना होगा? 6 lakh रुपीज. फर्स्ट ईयर की अर्निंग कितनी है? 50,000. जो लोग सीए कॉस्टिंग प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं एमबीए इवन एमबीए एंट्रेंस, क्या वो लोग एक भी लेक्चर मिस कर सकते हैं अपने कोचिंग में? एमबीए एंट्रेंस बोलो सीए बोलो सीए में नॉट वन. तो तुम लोग इधर कैसा मिस कर सकते हैं? नहीं कर सकते. यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस अ सिंगल लेक्चर. ये प्रोफेशनल कोर्सेस है वरना डी शो का अनुभव देखा ना वो लड़के का करण का. ही कुड नॉट आंसर द क्वेश्चन. ओके 15,000 शेयर्स 111. तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च एक 25. मैंने गड़बड़ किया किधर तो किधर गड़बड़ किया? इधर इधर या बताओ 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 ये कितना है? ये कितना है? या बिल्कुल सही है. या आप सही है. 36.92. ये हमारा फर्स्ट ईयर था. अभी सेकंड ईयर चले. टाइमलाइन ड्रॉ करो. सेकंड ईयर बोलो. सबसे पहला ओपनिंग बोलो. नहीं ओपनिंग ओपनिंग 25 इज राइट. कैसे? क्योंकि लास्ट ईयर की टाइमलाइन देखो ना. लास्ट ईयर का ओपनिंग 10,000 था. देन देयर इज पब्लिक इश्यू ऑफ 15. सो नाउ ओपनिंग इज 25,000. लास्ट ईयर क्लोजिंग इज करंट ईयर ओपनिंग. लास्ट ईयर क्लोजिंग इज करंट ईयर ओपनिंग.
आगे 1 जून बोनस, जो लोग ने लास्ट लेक्चर मिस किया वो सुनो, रीजनिंग तो आपको लास्ट वीडियो से देखना होगा कि जब हमारा बोनस होता है ना उसका जब वेटेड एवरेज करते हैं ना, ये डेट नॉट इम्पोर्टेंट होता है। बोनस शेयर इन्वेस्टर के लिए गेट ए फ्री शेयर फ्रॉम द कंपनी, कंपनी के लिए बोनस वन रिजर्व्स आर कन्वर्टेड इनटू शेयर कैपिटल। तो बोनस के लिए डेट ऑफ इश्यू इज नॉट रिलेवेंट, वो हमेशा 12 मंथ आउट ऑफ 12 मंथ किया जाता है। क्यों अभी नहीं रिपीट कर सकता, तो पूरी स्टोरी लास्ट लेक्चर के एग्जाम्पल के साथ थी, और ये बात हमने हमारी थियरी नोट में भी लिखी है। आप हमारी थियरी नोट चेक करेंगे ना, थियरी नोट में ये सब लिखा है हमने कि बोनस के लिए डेट इज नॉट रिलेवेंट। थियरी किधर गई हमारी, ये थियरी देखिए, हाँ वेदर डेट रिलेवेंट ये क्वेश्चन था। सो बोनस नहीं, बोनस ऊपर है, बोनस डेट नॉट रिलेवेंट, बोनस के लिए डेट नॉट रिलेवेंट। नॉट ओनली दैट, इधर भी ये बात लिखा है कि बोनस विल बी ट्रीटेड एज इश्यूड फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द करंट पीरियड, मतलब 12 मंथ आउट ऑफ 12, एंड ऑल अर्लियर ईयर ऑल्सो विल बी रीस्टेटेड। ये बात हमने लिखी है, दिस इज जस्ट फॉर द इन्फो, इसके रीजनिंग अभी नहीं बता सकता, हमने लास्ट लेक्चर के वीडियो में देखा था। चलिए अभी आज का कहानी आगे जाते हैं। ओके, बोनस के बाद क्या है, 1908 राइट इश्यू 10,000 शेयर्स एट 30। पहला तो मुझे ये बताओ राइट इश्यू होता क्या है। सिंपल, कंपनी वांट्स टू मेक अ न्यू इश्यू, फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, तो कंपलसरीली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर शुड बी गिवन फर्स्ट चांस टू बाय द शेयर। फर्स्ट राइट टू बाय द शेयर इज गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, इफ दे डोंट वांट तो पब्लिक ले सकती है, बट फर्स्ट चांस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। So right issue is always made by an existing company, okay, to the shareholder. अब दूसरी बात सुनना, suppose Reliance का price चल रहा है share market में, anybody knows, कोई track कर रहा है, कितना अंदाज से roughly, 2500 roughly, ठीक है, Reliance का price 2500 per share है, ठीक है, मेरी बात सुनो, अब उनको right issue करना है, मतलब existing shareholder को share issue करना है, पैसा लेके, free नहीं है, bonus नहीं है। अब क्वेश्चन है रिलायंस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जो मार्केट में प्राइस चलता है 2500 वही प्राइस में देंगे कि हायर प्राइस 3000 की लोअर प्राइस से 2000 लोअर प्राइस 2000 व्हाई नॉट हायर प्राइस और व्हाई नॉट सेम प्राइस। सेम प्राइस भी रिलायंस देंगे नोबडी विल बाय, जिसको परचेस करना है वो तो अभी भी मार्केट से परचेस कर सकते हैं। मेरे जेब से पैसा निकालना है तो सस्ते में देना पड़ेगा, चीपर प्राइस पर देना पड़ेगा, दैट चीपर प्राइस इज से 1500। सो याद रखना राइट प्राइस विल बी ऑलवेज लोअर देन द मार्केट प्राइस। हमारे प्रॉब्लम में राइट इश्यू का प्राइस 30 है, और हमारे प्रॉब्लम में व्हाट इज अ मार्केट प्राइस 40, द प्राइस बिफोर राइट इज 40। बात समझ में आ, 40 रुपीस वाले शेयर्स 30 में दे रहे हैं, इज दैट पॉइंट क्लियर, 40 वाले शेयर्स 30 में दे रहे हैं। अब 40 वाले शेयर्स 30 में दे रहे हैं, उसी की अदर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग में बताता हूं। एनीवे डेट क्या थी राइट की, व्हाट वाज द डेट, 1908 राइट इश्यू, राइट इश्यू 10,000 शेयर्स, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, मैं जो बोलता हूं सुनना, कितने वाले शेयर्स कितने में दे रहे हैं, 40 वाले शेयर 30 में दे रहे हैं, बोलो ना। अब आप मॉल में जाएंगे ना, इनऑर्बिट मॉल खुला है मलाड वाला, मुंबई के बाहर वाले लोग जाके आए कि नहीं मॉल में, जो बॉम्बे के बाहर के है ना, लेटर ऑन यू विल गो, अभी एक बार सेटल हो जाएगा ये, देर इज अ लॉट ऑफ मॉल नियर बाय लिंक रोड पर, इन्फिनिटी वगैरह है, और थोड़ा बड़ा मॉल चाहिए तो और आगे जाना होगा, मलाड में इनऑर्बिट मॉल है, और उसके आगे जाएंगे तो इन्फिनिटी, मलाड इज वेरी बिगर देन दिस, ठीक है। अब मॉल में जाएंगे,
तो मॉल में जाते हैं, ज्यादा करके कब जाते हैं, और ज्यादा जाते तो है विंडो शॉपिंग करने के लिए, एक्चुअल शॉपिंग कब करते हैं? एक्चुअल शॉपिंग, एक्सेप्ट डिस्काउंट एंड सेल कभी नहीं करते हैं। मैक्सिमम शॉपिंग कब करते हैं? वही डिस्काउंट एंड सेल। तो मेरी बात सुनना, एक कंपनी ऐसा प्राइस अनाउंस करती है, कंपनी इज अनाउंसिंग द प्राइस MRP 50% डिस्काउंट, यू नो, देन नाउ, करेक्ट? सो दिस इज योर एक्चुअल प्राइस, दिस इज वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द सेल। तो आपको 50% डिस्काउंट मिलता है, यू आर टेम्प्टेड टू बाय, तो आप गए, जो भी ट्राउजर शर्ट ड्रेस मटेरियल ड्रेस लेना है, कितना खरीदेंगे? अरे तुम्हारा बजट तो एक ही का है ना, कितना खरीदेंगे, क्या कितना खरीदेंगे, वन परचेस करेंगे। यू वेंट फॉर बाइंग द शूज, कितनी खरीद के आएंगे? देन नाउ लिखा है तो वन पेयर ऑफ शूज, स्केचर्स, वन पेयर। मैं हूं ना, तो ऐसा करने के बदले में क्या दूसरा दे सकता हूं? MRP 100 रुपीज का ही है, सेम 100 रुपीज, बाय वन गेट वन फ्री, क्या ऐसा कर सकते हैं? बाय वन गेट वन फ्री कर सकता हूं मैं? तो इन भैके सोचो, आपको वो शूज ट्राउजर कितने में पड़ेगा? हेलो, कितने में पड़ेगा बोलिए, इन दैट केस ऑल्सो कितने में पड़ेगा? हाँ, अरे बोलो, 50 में पड़ेगा। भले आपको यहां भी 50 में मिल रहा है और यहां भी 50 में मिल रहा है ना, लेकिन यहां कंपनी का बिजनेस 100 रुपये का हुआ, अपनी सोल 2 पीस। तो आप जब बिजनेस मैनेजर बनेंगे ना, MBA बनने के बाद आपको फाइनेंस में नहीं जाना है, आप ये वाली स्कीम देंगे या ये वाली देंगे? सेकंड वाली देंगे, ठीक है? अब मेरी बात सुनना, दैट मींस ऑन जब भी मैं वन पेड वन फ्री देता हूं, इट मींस, हाँ बोलिए व्योम, क्या हुआ? बट यू नेवर कॉल्ड अप एनीबडी, तुम अपने आप डिसाइड कर लिया, योर पेरेंट्स ऑल्सो निग्लेक्टेड एनीवे, अभी तुम हॉस्पिटल में रहो, पूरा डॉक्टर एंड मेडिकल सर्टिफिकेट सब लगेगा, ठीक है? हाँ चलो, अभी तुम हॉस्पिटल में रहो, गेट वेल सून, क्या हो गया तुम्हें? ये वॉमिट फीवर, तुम्हारी एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं हुआ, इसके लिए तो नहीं हो गया ना सब? ओके, चलो, गेट वेल सून, कीप ऑल द रिकॉर्ड्स यू विल बी रिक्वायर्ड टू गिव, हाँ, बाद में एग्जाम लेंगे आपके। उसने कल व्हाट्सएप पर मैसेज डाला, आई एम नॉट वेल, आई एम नॉट गिविंग एग्जाम, जैसे बाप का माल है क्या, घर का माल है? इंटरनल टेस्ट ऑफिशियल है ना NM की, तो NM किसी, ये NM की इंटरनल टेस्ट तो ऑफिशियल होती है, सब लेक्चर्स बंद करके, सुपरविजन, एनुअल रिपोर्ट, क्या क्या होता है हमारा, तो उसमें कोई नहीं आते, वो व्हाट्सएप पर लिख दिया, आई एम नॉट वेल, नॉट ज्वाइनिंग द टीम, एक्सेप्टेबल है? बिल्कुल नहीं है। आइदर स्टूडेंट शुड कॉल अप एंड इन्फॉर्म, हम तो ग्रुप पर है 24/7 बैठे हैं, और पेरेंट्स शुड कॉल, ये क्या स्कूल थोड़ी है अपनी चलेगा? तो मैंने लिख दिया नॉट एक्सेप्टेबल, आइदर यू और पेरेंट्स शुड कॉल, तो उसने 4 मिस कॉल कर दिया अभी। हाँ नहीं, मे बी राइट, ऐसा नहीं बोलता हूँ कि वो झूठ बोल रहा है, बट यू कैन बी, और क्या बोलता है, इनफॉर्मल, चलेगा, ये लेक्चर थोड़ी है ऑनलाइन जो लॉगिन होके चलेगा, मतलब पता है ना। चलिए, हाँ, FIB कॉमर्स, नए नए बच्चे हैं ना बेचारे, आउट ऑफ मुंबई के बच्चे बेचारे, कुछ नहीं है, पक्के है। चलिए काम की बात, दैट मींस जब राइट इश्यू सस्ते प्राइस पर होता है ना, तब इसके अंदर दो एलिमेंट मिक्स होगा, जो डिस्काउंट वाला पोर्शन है 40 वाला 30, इट इज एज गुड एज बोनस पार्ट हो गया, एंड जो हम पेमेंट करते हैं वो पेड पार्ट हो गया,
यू अंडरस्टूड माय पॉइंट? अभी यार मैं 100 रुपीज में बेचता हूं, 1 by 1 फ्री, तो फ्री वाला इज अ बोनस एंड बाय इज अ पेड पार्ट. अच्छा ऐसा मुझे राइट में ब्रेकअप क्यों करना पड़ेगा? क्यों? वाय? क्योंकि जो बोनस पार्ट है उसके लिए पीरियड क्या होगा? 12 months आउट ऑफ 12 months. Bonus is always from first day of the year and previous year is restated. And जो paid part है, उसकी तो date 1 September के बाद की होगी. Clear हुआ ये point? That means हमारा अभी main काम क्या होगा कि 10,000 shares में से bonus वाले कितने shares है and paid वाले कितने shares है, वो element separate करना होगा. वो जो CA करते हैं ना, I tell you 80% of CA student ये ठीक से नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं rather. मे बी उनको अपने कोचिंग में ठीक से पढ़ाया नहीं है, या तो उन्होंने ठीक से ध्यान नहीं दिया है, जो भी रीजन है, 80% CA student ये गलत करता है. They don't like it, I will use the word. They dislike this part. But तुम नहीं है ऐसे, क्योंकि तुम बिजनेस एंगल से सीखेंगे तो आप समझ जाएंगे. आपको कोई फॉर्मूला नहीं मारना है, उनको कुछ फॉर्मूला देते रट्टा मारने को. याद आ गई तो राइट, भूल गए तो गए, और अपने को तो कुछ फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं लगेगी क्योंकि हम बिजनेस एंगल से सीखेंगे. बट इतना पार्ट तो हमको मालूम पड़ ही गया है कि कुछ पेड पार्ट है एंड कुछ फ्री पार्ट है. बिकॉज द डिस्काउंट वाला पार्ट है वो बोनस पार्ट होगा, फ्री पार्ट होगा, पेड तो पेड होता है. लिखो इतना लाइन ड्रॉ किया. सो इतना लिखा ना आपने भी. चलिए अभी हम कैलकुलेट करने वाले, हम सिखाने वाले हैं. Calculation of right issue. First, let us calculate paid part and bonus part out of right issue. Okay, paid part and bonus part out of right issue calculate करने वाला है, ठीक है. उसके लिए सबसे पहले we will calculate एक्स राइट, मतलब राइट इश्यू खत्म होने के बाद की प्राइस. क्यों करेंगे वो आगे बताएगा. कैलकुलेट एक्स राइट प्राइस पर शेयर. राइट की शेयर बाजार में क्या इंपैक्ट होती है. आपका लेक्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप भविष्य में बहुत पैसा कमाना चाहते हैं ना. नहीं क्या नहीं, गर्ल्स लोग सिर्फ, बॉयज लोग बहुत पैसा कमाना चाहते हैं. गर्ल्स लोग के लिए एक सेंटेंस और ऐड करेगा, जल्दी जल्दी कमाना चाहते हैं. करेक्ट है कि नहीं? झूठ मत बोलो. मैं जो बोल रहा हूँ क्या मेरा घर का नहीं बोल रहा हूँ, मेरी डॉटर की साइकोलॉजी बोल रहा हूँ. वो जो हम लोग बातें करते हैं ना, वो तुम्हारे से थोड़ी बड़ी है, तुम्हारे से थोड़ी बड़ी है. यंग कल्चर तुम्हारे वाली है. अच्छा इसको पूछता, मैं झूठ बोला कि सही बोला? यू वॉन्ट टू अर्न लॉट ऑफ मनी एंड दैट ऑल्सो अर्ली. मैं तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूँ, मैं इसके बारे में तुमको नहीं पूछ रहा हूं. बस उसने हाँ बोला, माना. तुमको तो पूछ ही नहीं रहा हूं मैं. नहीं, मेरे को आंसर नहीं मिला है. किसमें हिम्मत नहीं होती है ना, ऐसे कैसे बोलेंगे लोग. दूसरा क्या सोचेंगे, मैं मनी माइंडेड हूं, बहुत पैसा कमाना चाहता हूं. तो सम मे नॉट आंसर, बट मैं गर्ल्स की जो मैं एवरेज साइकोलॉजी बोलता हूँ वो गलत है या सही है वो भी नहीं बोलता हूं मैं. क्या सोचते हैं यंगस्टर, अब बहुत पैसा कमाना है तो एक ही रास्ता है. नहीं नहीं, इलीगल नहीं, नो इलीगल थी. यू नीड टू हैव योर लिस्टेड कंपनी. लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी क्यों होनी चाहिए पता है? उसमें योर इन्वेस्टमेंट इज से 25% ऑफ द टोटल शेयर, से 50 lakhs, तो मल्टीप्लाई बाय 3 times, 1.5 crore तो दूसरे का है. दूसरे के पैसे से आप धंधा करते हैं, उसको फिक्स 10-20% रिटर्न देके बाकी सब खुद कमा लेंगे, ऊपर से सैलरी लेंगे. समझ रहे हैं व्हाई यू नीड टू हैव अ लिस्टेड कंपनी?
Yes, we had a listed company. हमारे है उसमें हमने सब कुछ किया जो आप academically करते हैं. We had a bonus, we had amalgamation, we have a merger, demerger. आप जो भी academically पढ़ते हैं सब हमारी कंपनी में किया था. So not only that, अच्छा चलो जिसमें हिम्मत नहीं है entrepreneur बनने की listed company, फिर भी पैसा तो बहुत चाहिए ही चाहिए. तो उनके पास एक ही ऑप्शन है, शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना है. तो शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हाउ द शेयर बाजार वर्क्स मालूम होना चाहिए. तो देखते हैं हम पहला देखते हैं व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ, आप लिखना नहीं है, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ बोनस ऑन शेयर प्राइस. क्या बता रहा हूं मत लिखना, इंपैक्ट ऑफ बोनस ऑन शेयर प्राइस. क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मुझे उसका यूज है. जैसे एक्स लिमिटेड की कंपनी है, सुनना, वी हैव 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 लाख, जनरल रिजर्व 20 लाख, अदर लायबिलिटी 20 लाख, टोटल ऑफ द बैलेंस शीट 50 लाख, टोटल ऑफ द बैलेंस शीट इज 50 लाख. ठीक है, वो बैलेंस शीट का टोटल है. अब मेरी बात सुनना, सपोज ये कंपनी का मार्केट प्राइस चल रहा है 100 रुपीज पर शेयर, जो समझने के लिए उनकी अर्निंग ऐसे 10 रुपीज पर शेयर एंड 10 टाइम प्राइस चल रहा है, गुजरात की कंपनी है, 100 चल रहा है, तो उनकी मार्केट प्राइस 100 रुपीज पर शेयर है. एज्यूमिंग सबके सब शेयर्स आपके अकेले के पास है, 80 रुपीज चलते हैं, चलो 80 रुपीज कर देता हूं, सबके सब शेयर्स आपके पास है, तो आपकी जो शेयर्स है उनकी वैल्यू 80 लाख है. This 80 lakh is nothing but the company का valuation है. ये क्या है? 80 lakh company का valuation है. यदि आप 100% owner है और ये company बेचना चाहते हैं तो बोलो आपको कितने money वो buyer दे देगा? 80 lakhs देगा. This is the value of a company. Number of share into market price is a valuation of a company. ठीक है? अब ये company ने, ध्यान से सुनना, ये कंपनी की वैल्यू कितनी है, संपत्ति कितनी है, वेल्थ कितनी है, जल्दी 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 बोलो, 80 लाख. अब ये कंपनी ने बोनस दे दिया 1:1. सो 1:1 बोनस में क्या होगा, मैं जनरल रिजर्व में से 10 लाख ट्रांसफर कर देगा, कैपिटल में 20 लाख हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर 2 लाख शेयर्स हो जाएंगे, 2 लाख शेयर्स ऑफ 10 इच 20 लाख हो जाएगा. एग्री? अब ध्यान से सुनना, नंबर बढ़ गया, रिजर्व माइनस हो गया, क्या बोनस की वजह से कंपनी की कोई असेट में चेंज हुआ? नहीं. क्या कंपनी की कोई लायबिलिटी में चेंज हुआ? नहीं. क्या अर्निंग कैपेसिटी में चेंज हुआ? नहीं, वो तो जो प्रॉफिट कर रहे वही रहे. इनफैक्ट कंपनी की नेटवर्थ में भी चेंज नहीं हुआ. नेटवर्थ माने कैपिटल प्लस रिजर्व. पहले भी कैपिटल प्लस रिजर्व 10+20+30 था, अभी भी 20+10+30 है. सो बोनस डज नॉट चेंज मार्केट वैल्यूएशन ऑफ ए कंपनी. बोनस डज नॉट चेंज वैल्यूएशन ऑफ ए कंपनी. कंपनी की संपत्ति में बदलाव नहीं आता, ओनली नंबर ऑफ शेयर्स चेंजेस. लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स तो 2 लाख हो गए बोनस के बाद, तो पता है कंपनी का मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा? शेयर मार्केट प्राइस कंपनी का पता है, जस्ट बिफोर बोनस जो 80 रुपीज पर शेयर था, 1:1 बोनस देने के बाद, नंबर ऑफ शेयर डबल होने के बाद, X बोनस प्राइस, X मतलब इमीडिएटली आफ्टर, कम माने इमीडिएटली पहले, बताइए X बोनस प्राइस कितना हो जाएगा? 40 रुपीज, एग्जैक्टली हाफ हो गया इमीडिएटली वेरी नेक्स्ट डे. क्यों? अरे कंपनी की असेट लायबिलिटी में थोड़ी बदलाव आया है, आपने नंबर बढ़ा दिया तो प्राइस घट जाएगी, किसी ने 3 टाइम बोनस दिया तो प्राइस 1/3 हो जाएगी, बट किसमें बदलाव नहीं आएगा? Valuation of a company में. That means to the extent of bonus element, price per share will go down. क्या बोला मैंने? To the extent of bonus element, बताइए क्या होगा price का? Price down हो जाएगा. अब double bonus क्या? और एक bonus दे दो ना, 3 लाख share कर दो. मुझे क्या जाता है? 3 लाख कर दो. Double bonus. तो इधर 3 लाख शेयर्स हो गया, 80 डिवाइड बाय 3 लाख कर दो, प्राइस कितनी हो जाएगी देख लो, 26.66.
इमीडिएटली आफ्टर एक्स बोनस टू द एक्सटेंट ऑफ बोनस, जितना हमने नंबर ऑफ शेयर बोनस का प्रोपोर्शन बढ़ाया प्राइस विल रिड्यूस एक्जैक्टली ऑपोजिट, एक्जैक्टली मैथमेटिकली ऑपोजिट। शेयर बाजार में बुद्धू थोड़ी है अब 80 रुपीस में लेंगे एक्स बोनस होने के बाद, वरना तो मैं ऐसे प्रमोटर डेली शेयर इश्यू करते रहेगा मेरे कोई बोनस और शेयर बाजार में बेचते रहेगा इफ समबडी इज रेडी टू बाय एट 80, बट नोबडी विल बाय एट 80, अब 40 में खरीदेंगे। ठीक है, सेम वे अब अपना प्रॉब्लम, चलो हमारा प्रॉब्लम जो राइट इश्यू का है, 40 वाले शेयर्स पता है ना कुछ 30 में दिया है, देयर इज एलिमेंट ऑफ बोनस एंड टू द एक्सटेंट ऑफ बोनस बता दो शेयर का प्राइस में क्या होने वाला है, जल्दी 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 बोलो, प्राइस डाउन हो जाएगा ना। तो अभी मैं एक्स राइट प्राइस कैलकुलेट करता हूं, मेरी प्राइस बिफोर राइट पता है ना कुछ मार्केट में 40 था, अरे देखो ना मार्केट में मेरी बिफोर प्राइस 40 थी ना कम राइट, फिर सस्ते भाव में शेयर दिया 30 में राइट, सो देयर इज 10 रुपीज का बोनस एलिमेंट, सो इमीडिएटली आफ्टर बोनस क्या होने वाला है मेरी प्राइस का, बोलो, डाउन होगा। कितनी नया प्राइस आएगा मैं बताता हूं, उसका मैं कुछ यूज करने वाला हूं, व्हाई आई एम कैलकुलेटिंग यू विल अंडरस्टैंड बिकॉज़ आई एम गोइंग टू यूज इट, फर्स्ट यू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट। तो सुनिए, पहले मेरे पास कितने शेयर्स थे जस्ट बिफोर द राइट, जस्ट बिफोर द राइट बताइए मेरे पास नंबर ऑफ शेयर कितने थे, 28,000 था, ऊपर फॉर्मूला लिखेगा 28,000 शाह, ये मेरे ओल्ड शेयर्स है, एंड व्हाट वाज़ द ओल्ड प्राइस, 40 मल्टीप्लाई करके बोलो कंपनी का संपत्ति का वैल्यू कितनी है, 1120 ओल्ड शेयर्स इनटू ओल्ड प्राइस प्लस एक्चुअल कुछ कैश आ रहा है, कुछ कैश भी तो आ रहा है ना अभी राइट की वजह से, रियल कैश आ रहा है, मनी मनी मनी, तो फिर कंपनी की संपत्ति बढ़ेगी ना, रियल मनी आ रहा है, कितना मनी 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 आ रहा है, 10,000 शेयर्स का 30 रुपीस आ रहा है, दैट मीन्स इमीडिएटली आफ्टर राइट इश्यू बताइए कंपनी की संपत्ति कितनी हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं, सी बोनस में देयर वाज नो एडिशनल, बोनस में देयर वाज नो एडिशनल वेल्थ कमिंग इन द कंपनी। ओके, अब पहले मेरे सो ओल्ड शेयर्स इनटू ओल्ड प्राइस प्लस राइट शेयर इनटू राइट शेयर प्राइस, बोनस में ये वाला पार्ट जीरो था, नील, खाली ओल्ड शेयर इनटू ओल्ड प्राइस तो था। अब पहले ओनली ओल्ड शेयर्स में हम डिवाइड करते थे ये संपत्ति, अब कुछ न्यू राइट शेयर भी तो आ गया है, कितने राइट शेयर आ गए हैं, दैट मीन्स ये 14,20,000 की जो संपत्ति है वेल्थ है बताइए कितने शेयर होल्डर्स में डिवाइड होगी, 38,000 शेयर, तो बताओ पर शेयर वैल्यू कितनी हो गई मेरी, 37.37। पहले मार्केट प्राइस कितना था, नहीं पहले पहले 40 था, अब प्राइस 37 हो गया, अब देखो ना गिर गया ना प्राइस, क्यों गिर गया, बिकॉज देयर वाज सम बोनस एलिमेंट, नहीं नहीं रिसेट को टाइम है, देयर वाज सम बोनस एलिमेंट, सो मार्केट प्राइस वेंट डाउन। सुनो यही फॉर्मूला है ना बोनस में भी करते हैं, सुनो बोनस होता था ना, मैंने पहले एग्जांपल दिया था ना, सुनना पहले वाला एग्जांपल, 1,00,000 शेयर्स था, 80 रुपीस था, मेरी कंपनी की पुरानी संपत्ति 80 लाख था ना, फिर बोनस शेयर था 1,00,000 शेयर्स, लेकिन वो तो उसके लिए नया पैसा कुछ आया ही नहीं था, नो न्यू वेल्थ, पहले मेरे 1,00,000 शेयर्स थे प्लस 1,00,000 शेयर्स हो गए, तो 80 लाख डिवाइड बाय 2,00,000 शेयर जो मैंने एग्जांपल दिया, प्राइस 40 रुपीस हो गया, समझ गया 80 का 40 क्यों हो गया, क्योंकि कोई नया वेल्थ नहीं आया बोनस में। लेकिन राइट में क्या कंपनी के पास कोई नया वेल्थ आता है, क्या राइट इश्यू में कंपनी के पास कोई नया वेल्थ जनरेट होता है, हाँ होता है ना, क्यों होता है, अरे शेयर होल्डर ने मनी 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 दिया ना, 10,000 शेयर्स इनटू 33 लाख तो आया ना, भले थोड़ा पैसा आया कुछ तो आया, सो 11,20,000 की जो मेरी कंपनी की संपत्ति है वेल्थ है, दैट वेंट अप बाय अनदर 3 लाख,
So 14 lakh 20 ho gaya. But earlier I had 28,000 shareholder. Now I have got 38,000 shareholder. So per share company ki wealth only 37 ho gayi. Price went down in the market. 40 ka exact kitna ho jayega price? 37. Aisa mat bolo 25% price down hoga. Wo to weighted average dikhana hai. समझ में आया एक्स राइट प्राइस क्या है? ओके, अब मेरी बात सुनना. अभी आप बाद में लिखो, अब थोड़ा कॉमन सेंस की बात करते हैं. अब मेरी बात सुनना, एकदम ध्यान से सुनना. टेक्निकली मेरे पास अभी तीन प्राइसेस है, थ्री प्राइसेस आर देयर. डोंट राइट 40, 37, 37 एंड 30. 40 क्या है? कम राइट. Whoever purchased the shares in the share market at 40, he is going to get right also. क्योंकि उसने तो पहले खरीदा है ना, बाद में right issue हो रहा है. 37, 37 क्या है? After right. And 30 तो वो concessional price है, you know it. 40 before right, 37 after right. अब मेरी बात सुनना. If somebody buys the shares at 40, what does it mean? He is buying before right issue. He becomes entitled for right holder. He becomes entitled to right holders. I say related person. Company ka relative ho gaya. ठीक है? अब मेरी बात सुनना. Suppose आप लोग, just suppose आप लोग related person नहीं है company के, और आपने 3 lakh rupees का investment करना है. Just समझने के लिए, 3 lakh क्यों लाया? ऐसे ही समझने के लिए. Suppose आपके जेब में 3 lakh rupees है, and you are not entitled for right. आपको right नहीं लेना है. Okay. तो आपके लिए कौन सी प्राइस अप्लीकेबल है? 40, 37, 37 और 30. दैट्स माय क्वेश्चन. आप 3 lakh के शेयर खरीदना चाहते हैं, आप 3 lakh के शेयर खरीदना चाहते हैं, बट यू डोंट वांट टू बिकम अ रिलेटिव, मतलब राइट होल्डर नहीं रहना है. तो आपके लिए तीन प्राइस में से कौन सी है? आंसर, 30 तो आउट है, वो तो कंसेशनल प्राइस ऑफ ए राइट इश्यू है. बिटवीन 40 एंड 37, 37 बोलो. 37. Why not 40? 40 में आप पे करेंगे तो राइट होल्डर हो जाते हैं ना, तो राइट होल्डर हो जाते हैं. मैंने बोला आप एज्यूम करो राइट होल्डर नहीं है, आप एज्यूम करो राइट होल्डर नहीं है, और आप 3 lakh रुपीस इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको 37 रुपीस 37 पर शेयर के हिसाब से आप मुझे बता सकते हैं कितने नंबर ऑफ शेयर मिलेंगे, कितने नंबर ऑफ शेयर मिलेंगे, कितने नंबर ऑफ शेयर मिलेंगे? 8028. आप मेरी बात सुनना, जो मैं बोलता हूं सुनना. बाहर वाला, आप सब बाहर वाले हैं कंपनी के लिए. बाहर वाला जब 3 lakh रुपीस इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे 8,000 शेयर मिलेंगे, बट कंपनी का राइट होल्डर रिलेटिव पर्सन, पता है 3 lakh रुपीस इन्वेस्टमेंट करता है तो कंपनी ने तो उसे 10,000 शेयर्स दिए हैं एट ए कंसेशनल रेट ऑफ दैट. बाहर वाले को फुल प्राइस पर शेयर खरीदना पड़ा, कंपनी के रिलेटेड शेयर होल्डर को सस्ते भाव में शेयर खरीदना पड़ा, तो ही गेट्स इन 3 lakh 10,000 शेयर. एंड बाहर वाले को वही 3 lakh में 8,000 शेयर मिलता है. दैट मींस कंपनी का रिलेटेड को वही 3 lakh में कितना शेयर एक्स्ट्रा मिला? क्या उसे मैं बोनस शेयर बोलूं? आपने भी 3 lakh इन्वेस्टमेंट किया, कंपनी का रिलेटेड राइट होल्डर ने भी 3 lakh किया, बाहर वाले ने भी 3 lakh, रिलेटेड राइट वाले ने भी 3 lakh. बाहर वाले को 8,000 शेयर मिलता है, कंपनी को 10,000 शेयर मिलता है, तो कंपनी के शेयर होल्डर को जो एक्स्ट्रा शेयर मिला उसे क्या नाम दे दू? कंपनी के शेयर होल्डर को जो एक्स्ट्रा शेयर मिला इसे मैं क्या नाम दू? बोनस. दैट मीन्स 10,000 शेयर का ब्रेकअप हो गया मेरा. क्या ब्रेकअप हो गया? 1978 बोनस शेयर, 8028 पेड शेयर. देखो जो सीए करने वाले 80% उनको ये नहीं समझता है. अब हम वापस बिजनेस एंगल से सोचते हैं. इवन सीए करने वाले को ये 37 कैलकुलेट करने आता है, उसके आगे उनकी विकेट जाती है, यहां तक तो उनको भी आता है. ओके, अब बोनस पार्ट कैसे कैलकुलेट करना और पेड पार्ट कैसे कैलकुलेट करना सुनना. अब मैं पहला कैलकुलेशन ऑफ पेड पार्ट करता हूं, फिर बोनस पार्ट. कैलकुलेशन ऑफ पेड पार्ट सुनना, सुनो सुनो सुनो. उसके बाद स्टेप 3 में
calculation of bonus part. So now, 3 lakh rupees kahan se laya, wo pata chala? Investment in right issue 3 lakh tha na, 30,000 shares of 10 each. Investment in right issue. 10,000 shares 30 each tha. 3 lakh tha. Divide by X right price per share. ओके मेरी बात सुनना. पेड पार्ट वर्ड स्टैंड फॉर यू आर इक्वेटेड विथ आउटसाइडर. वापस सुनना. पेड पार्ट मींस यू आर इक्वेटेड विथ आउटसाइडर. पेड के लिए तो आप भी खरीदते हैं वो भी खरीदते हैं, लेकिन आपको साथ में वन यू नो बाय वन गेट वन फ्री आया ना. सी विदाउट स्कीम भी 100 रुपया, विथ स्कीम भी 100 रुपया प्राइस, लेकिन विथ स्कीम में 1/1 फ्री आया, तो 1/1 फ्री में वो फ्री वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? बोनस पार्ट बोलते हैं. सो आपने भी 3 लाख इन्वेस्टमेंट किया, बाहर वाले ने भी 3 लाख इन्वेस्टमेंट किया, तो वो 3 लाख में आपको या बाहर वाले को कितने में पेड मिलता है? 8,028. अब क्वेश्चन है 37 याद कैसे रखने का, किससे डिवाइड करने का? हमारे पास तो 3 प्राइस था ना. कभी कभी कंफ्यूज होता है कि 3 लाख को 40 से डिवाइड करूं, 37 से डिवाइड करूं, या 30. सपोज आपको रूल ऑफ थंब याद रखना है विदाउट अंडरस्टैंडिंग, तो आंसर यदि मुझे 37 से डिवाइड नहीं करना है तो कैलकुलेट क्यों किया? कुछ समझ में आया? सपोज मुझे 37 से नहीं डिवाइड करना है, 40 से करना था और 30 से करना था, तो मैं स्टेप वन करेगा ही क्यों? अब स्टेप वन किया तो उसी को यूज करना. समझ में आया टेक्निक? समझ में आया याद रखने की? हाँ बोलिए. पहला एक मिनट ये पॉइंट समझा मैंने क्या बोला. विदाउट अंडरस्टैंडिंग याद रखना है किससे डिवाइड करना है, तो क्या बोला? स्टेप वन कैलकुलेटिंग क्यों किया? हाँ अभी देखो 3 प्राइस है, पहले मैं समझाता हूँ. 40, 30 and 37. सपोज आपके पास 3 लाख रुपीज फॉर इन्वेस्टमेंट है, वो समझ लो. आइदर यू आर ए रिलेटेड पर्सन और यू आर ए आउटसाइडर. पेड पार्ट मतलब एमआरपी एवरीबॉडी के लिए सेम है. लेट्स टेक इट सेम. आपको भी 37 में मिलता है, उसको भी 37 में मिलता है. सो आपको 8,000 एंड कितना शेयर मिलेगा? 28. तो उसको भी 8,028 पेड किया, लेकिन साथ में कुछ शेयर गिफ्ट भी दिया कंपनी ने. बोलता है तू मेरे रिलेटेड है ना, वो तो रिलेटेड नहीं है, उस वो रिलेटेड नहीं है, तो उसको 8,028 शेयर मिलेगा. क्योंकि तुम रिलेटेड है 8,000, तो आप भी परचेस करते, वो भी परचेस करते हैं, लेकिन आपको मैंने स्कीम दिया बोनस की, एंड अंडर दैट स्कीम आई एम गोइंग टू गिव यू 10,000 शेयर, मींस आई एम गिविंग यू 1,978 शेयर एक्स्ट्रा. बाहर वाले को एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं मिलेगा, घर वाले को एक्स्ट्रा एलिमेंट मिलेगा, जो एक्स्ट्रा फ्री वाला एलिमेंट को क्या बोलते हैं? बोनस शेयर. अब बताओ तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? थर्टी सेवन में मिलेगा. हाउ मेनी शेयर? 8,000. सपोज मैं घर वाला भी हूं, घर वाला भी राइट होल्डर्स, लेकिन मुझे राइट नहीं लेना है, मुझे झंझट में नहीं जाना है. ठीक है, आई विल बाय इट, आई अलाउड इट टू गो. एक्स राइट हो गया 37 समझने के लिए. फिर मुझे लगा यार कंपनी का शेयर बहुत अच्छा है, सबने बोला बढ़ेगा. एक मेरा सस्ता वाला अपॉर्चुनिटी तो गया, लेट मी बाय फ्रॉम द मार्केट, आई हैव गॉट अ 3 लाख. तो हाउ मेनी आई विल गेट? 8,028. बट मैंने जस्ट पहले ले लिया होता था तो वही पैसे में कंपनी ने कितना दिया मुझे? 10,000. That means because I was related and I used my right, how many share I got extra? So that is free share. Free का क्या नाम है? Free का क्या नाम है? Bonus share. समझ गया कैसे calculate करना है ये? हाँ exactly. इसका breakup के लिए, ये पूरी कहानी इसके लिए है कि मेरा बोनस पार्ट 1,878 शेयर्स है एंड पेड पार्ट, क्योंकि डेट उसके पर बेस्ड है ना, डेट इज बेस्ड ऑन बोनस है कि पेड है. बोनस है तो 12 आउट ऑफ 12 करेगा बाद में. उसका फॉर्मूला लिखाता हूं मैं. हाँ ऑफकोर्स सब लिखना है, मैं ये लिख देता हूं.
या हमने 30 लाइन छोड़ा भी तो इसके लिए, और नहीं तो क्या, यही फॉर्मूला उधर लिखेगा। क्या बताऊं आपको, स्टेप वन तो कर दिया था ना आपने, ओके तो यहीं से स्टार्ट करते हैं ना, यहीं से स्टार्ट करते हैं। सीसीए करने वाले भी है ना, स्टेप वन में प्रॉब्लम नहीं करते हैं, बाद में वो लोग स्टॉक हो जाते हैं, उनको फॉर्मूला कुछ दिया जाता है, सही है, वो फॉर्मूला भी सही है, बट ये तो या ग्रुप टू है सीए का हम जो पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 इंटर थी गई सब समय। चले वीडियो देखने वाले को कितने लोग को ये कैलकुलेशन समझ में आया, तो वाई वर्ड टाइप करो यस, यस माने समझ में आया, ये वाले कैलकुलेशन समझ में आया तो यस वर्ड टाइप करो। तीन ही बच्चे, एक स्वप्न है, एक तनिषा है, एक रुदया है। स्वप्न तनिषा ने यस वर्ड लिख दिया, साची भी है। अच्छा दूसरी साक्षी, पहली साक्षी मेरे सामने है, हर्ष भी है, पांच बच्चे हो गए। चलो और जो हमारे बी डिवीजन के रेगुलर बच्चे जो यहाँ आते हैं वो किधर गायब चले गए? अरे भाई हाँ, ये हो गया स्टेप वन, हो गया स्टेप वन, बाकी है जल्दी लिख डालो स्टेप वन, फिर मैं स्कॉल करता हूँ स्टेप टू एंड थ्री के लिए। जल्दी आ जाओ तुम लोग, स्टेप टू थ्री लिख दिया? हाँ मैंने तीनों लिख दिए। ओके स्टेप टू एंड थ्री, लेकिन हमको बोनस पार्ट एंड पेड पार्ट अलग क्यों करना पड़ा? व्हाई डिड वी सेपरेट देम? Because दोनों के वेटेड एवरेज अलग रिस्क से निकलेगी ना। बोनस के लिए क्या होता है, 12 मंथ आउट ऑफ 12 मंथ, डेट इज नॉट रिलेवेंट, एंड पेड पार्ट तो डेट ऑफ परचेस से होता है।
स्वप्न ने आंसर नहीं दिया ना अभी, समझाए कि नहीं समझाए? तो सबसे पहले मैंने दिया था। अच्छा, आपने पहले दिया, गुड। 5 बच्चे लोग थे। क्या आपको ये टॉपिक रिलेवेंट लगता है? फॉरगेट द एकेडमिक पार्ट, और कुछ ज्ञान मिला आपको? एकेडमिक छोड़ दो, शेयर्स के बारे में और कुछ सोचे, राइट की मार्केट में क्या इम्पैक्ट होती है, बोनस की क्या इम्पैक्ट होती है, ईपीएस कैसे कैलकुलेट करना है, क्यों कैलकुलेट करना है, क्यों कैलकुलेट करना है ईपीएस? बिकॉज शेयर मार्केट प्राइस विल बी अ फंक्शन ऑफ ईपीएस। यस, क्या बोलो स्वप्न, क्या बोलना चाहते हो? नॉलेज बढ़ानी, सॉरी, आगे चले तो मैं आगे जा सकता। ये आपने लिख दिया ना 10, अभी आप कैलकुलेट करो ना, अभी तो सिंपल हो गया ना, मैंने ब्रेकअप भी दे दिया था। अब जैसे हम वो बेसिक ईपीएस करते वैसे ही करना है ना। अभी तो देखो मैं इधर लिख दिया ना मैंने, ये ब्रेकअप लिख दो। सेकंड ईयर चल रहा है, सेकंड ईयर की मेरी अर्निंग कितनी थी? मेरी सेकंड ईयर अर्निंग 10 लाख है, अर्निंग 10 लाख है, डिवाइड बाय द टाइमलाइन के हिसाब से कर दो, टाइमलाइन के हिसाब से कर दो। स्टार्ट करो, तो बेसिक ईपीएस बताइए 10 लाख है। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस 25,000 शेयर्स है, वो तो 12 मंथ आउट ऑफ 12 मंथ है, प्लस 3,000 बोनस है। बोनस शेयर्स के लिए हमेशा 12 मंथ आउट ऑफ 12 मंथ करना होता है, प्लस राइट इश्यू में 8028 पेड पार्ट है। पेड पार्ट सितंबर में है ना, सितंबर के लिए 7 out of 12 month होगा, एंड 1972 बोनस पार्ट है, और 12 month आउट ऑफ 12 month करना है। एट जीरो टू एट फॉर 7 month कितना हुआ? 8028 फॉर 7 month कितना? 4683 क्या आंसर आया? 8.85। और क्या करना होता है? जब भी बोनस होता है तो करंट ईयर में प्रीवियस ईयर को रीस्टेट। आप एप्शन थे फर्स्ट लेक्चर, तो लॉजिक नहीं समझ में आएगा, कैसे करना क्या करना वो तो समझ में आ जाएगा, आपको उसके लिए वीडियो देखना है। अभी आई कांट एक्सप्लेन दैट पूरा एग्जांपल के साथ, कैसे अभी हमने बहुत सारे एग्जांपल के कॉन्सेप्ट समझे ना, वैसे रीस्टेटेड फॉर 7-8। मुझे जब कंपैरिजन करना है ना करंट ईयर वर्सेस प्रीवियस ईयर, जब भी बोनस होता है प्रीवियस ईयर का रीकैलकुलेट करना पड़ता है, वरना कंपैरिजन नहीं बनती। तो वीडियो में उतना पार्ट देख लेना जो बोनस का कॉन्सेप्ट समझे, बाकी तो सब समझ में आ गया आपको। और सीए करना है तो इम्पोर्टेंट है, सीए नहीं भी करना है ना, राकेश झुंझुनवाला बनना है तो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी नहीं बनना है लेकिन बहुत पैसा कमाना है तो भी इम्पोर्टेंट है। मेरी डॉटर जो मेडिकल स्टूडेंट है, मेडिकल प्रोफेशनल है, वो मुझे शेयर्स वगैरह की बात पूछती है, सी वांट्स टू नो ऑल दिस थिंग। अभी का जो नया मास्टर कुछ लीडरशिप कुछ तो है ऐसा, मेरा भी ध्यान नहीं है। अदरवाइज सी डी एमबीए, सेकंड मास्टर एमबीए का है,
फर्स्ट इज अ उनका साइंस का जो भी है मेडिकल मास्टर्स है, सेकंड इज एमबीए, अब ये थर्ड है, अभी अभी उनका हुआ है, अभी वो लॉटरी में मिल गया है, नंबर आ गया है, बट अभी वीजा की डेट नहीं मिल रही है ना, सब बंद है ना कॉन्सुलेट, तो स्टैंपिंग के लिए इंडिया आना पड़ता है, वो डेट नहीं है, अब तो मैं दिखाई नहीं दे रही है, तो सी केम बिफोर कोविड, जस्ट बिफोर कोविड आई थी दिसंबर में. अभी मेरी डॉटर इन लोग परसों आई है, माई सन इज गोइंग टू कम ऑन 10th 11th, लेकिन वो लटक रहा है, रोज नया नया कुछ पेपर में आ रहा है ना, क्वारंटाइन करना है नहीं करना है, क्या क्या कुछ भी हो रहा है ना अभी, तो इंटरनेशनल ट्रैवलर को बेचारा टेंशन में है. वो टेंशन में नहीं आने मिलेगा तब तक भी ठीक है, एक बार आया वो जाने नहीं मिलेगा तो नौकरी जाएगी ना फिर, तो उधर कब तक कोई वेट करेगा कंपनी में, सपोज हम ज्वाइन नहीं, एनी पॉइंट इज दैट सपोज वो 1 month नहीं जाता है कंपनी कैन वेट, 6 महीने नहीं जाएगा तो कंपनी तो दूसरे को रख लेगी ना. एनीवे चलिए रीस्टेटेड अभी इज वर्किंग इन द बैंक, जो भी काम करता है आई डोंट नो ओके, कोई बैंक है, बैंक का नाम भी तो किधर लिखा है, वाइफ सी है, इसका फाइनल का एक ग्रुप बाकी है. पॉइंट है कि अभी इसको नई ऑफर आई, नई बैंक की लिंक्डइन वगैरह पर प्रोफाइल देके अच्छी अट्रैक्टिव ऑफर आई है, तो इज इन डायलेमा क्या करूं, मोर मनी, वन सीनियर पोजीशन. अब यहां हमारी इंडियन मेंटेलिटी आती है कि एग्जिस्टिंग बॉस को कैसे लगेगा, हाँ मैं जैसे लगता है लगने देना, मतलब जाना चाहिए ना. तो पहला तो मैंने बोला, राधो वो भी सोच रहा है कि मैं चेंज मैं करूं, मैंने भी बोला ठीक है इफ यू डोंट वांट टू चेंज डोंट चेंज, लेकिन मैंने बोला एक काम करो बिफोर यू टेक ए डिसीजन, चेंज नहीं करना है, जो नई बैंक है ना उनके स्टाफ वगैरह कोई है, फाइंड आउट एंड वर्क कल्चर वगैरह कैसा है, इफ यू थिंक कि दैट वर्क कल्चर इज बेटर एन ऑल तो फिर तुम स्विफ्ट करो. एनी वे बोलता हाँ वो सही है. सो फर्स्ट ईयर का बताओ कितना था मेरा फर्स्ट ईयर का, क्योंकि वो ये सब आप भी वही सिचुएशन में से पास होने वाले हैं ना, 2 साल के बाद 4 साल के बाद आपको पहला तो नौकरी मिल नहीं रही थी, सपोज बहुत मेहनत करके एक अच्छी नौकरी ली, अच्छी नौकरी के बाद 6 महीने के बाद अच्छी उससे भी अच्छी ऑफर आई, नाउ यू आर इन ट्रबल. समझ में आया कि क्या करें, आपके पेरेंट्स पहली निश हाँ नहीं, इनके केस में वो इश्यू नहीं है उधर, लाइक इट्स गुड जॉब. चलिए हमारा फर्स्ट में बताओ क्या था, फर्स्ट वाला ये फाइनल कैलकुलेशन ये था, सुनना बेसिक पीस ये है ना, लास्ट वाला कैलकुलेशन करेक्ट, 1420 upon 38,000, ये 1420 क्या था, नहीं नहीं सॉरी ये कैलकुलेशन नहीं था, इधर था, सॉरी ये कैलकुलेशन था हमारा लास्ट ईयर का, ये कैलकुलेशन था ना, 6 लाख डिवाइड बाय 16,250 शेयर, उसी को रीस्टेट करना है ना. कितना बोनस आया, एक 3,000 वाला और एक 1972 वाला, तो जो लास्ट ईयर का ईपीएस होता है उसे रीस्टेट बोलते हैं, और जब कंपैरिजन करेंगे ना करंट ईयर में, एनुअल रिपोर्ट जाएगा उसमें करंट ईयर वर्सेस प्रीवियस ईयर, ये नया वाला प्रीवियस ईयर का देना है, आपको पता ही ये बात, हूएवर हैज अटेंडेड लास्ट लेक्चर दे नो दिस लॉजिक. कितना आ गया, 21,222, सो आंसर आ गया 28.27 फॉर इक्विटी शेयर. हाँ इतना करने के, ये सम खत्म हो गया, अब हम इसकी थियरी पहले लिख देते हैं और एक कुछ होमवर्क भी दे देता हूँ आपको टाइम मिले तो, पहले उसकी थियरी लिख देते हैं, ये हो गया ना आपका, ये इम्पोर्टेंट सम है सीए वगैरह करने के लिए, और हमारा सपोज ये ऑफलाइन एग्जाम है तो ये इम्पोर्टेंट सम है, ऑनलाइन है तो इस प्रकार का पूरा तो नहीं पूछ सकता हूँ, आई कैन आस्क यू एक्स राइट वैल्यू पर शेयर कितना है ऐसा कुछ पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो.
कितने लोग को ये समझ में आ गया? एस वर्ड टाइप करो, एस, एस माने समझ में आया, ऑनलाइन वाले एस टाइप करो। वाओ, एस वर्ड टाइप करो, एक भी नहीं आया। आया आया, तनिष, तनिषा, तनिषा वो फास्टेस्ट, बाकी भी लोग है, साची वगैरह भी है, साची मित्तल। ओके, क्या मैं आगे जाऊं? साची लिख दिया ये, चलिए। अब हमने ना 30 लाइन छोड़ा है, वहां थियरी लिखनी बाकी थी, आपने यहां स्पेस छोड़ी थी थियरी नोट में, चेक करो, आपने यहां थियरी नोट में स्पेस छोड़ा था, स्पेशल ट्रीटमेंट बोनस इश्यू, करेक्ट, स्पेशल ट्रीटमेंट बोनस इश्यू, और अभी उसी को आगे जा रहा हूं, राइट इश्यू, ये तो भी लिख दूं, हाँ इधर हैंडलिंग भी दिया था मैंने, राइट इश्यू, स्पेशल ट्रीटमेंट राइट इश्यू, लिखना स्टार्ट, आउट ऑफ राइट इश्यू, वी हैव टू सेपरेट We have to separate out paid part and bonus part. Paid part and bonus part. Step 1 बताइए. Calculate. X right market price. Calculate X right market price. That is X right fair value भी बोलते हैं. क्या फॉर्मूला बताइए? ओल्ड शेयर्स इनटू ओल्ड प्राइस, मतलब ये पुरानी संपत्ति है, प्लस क्या कुछ नया संपत्ति आएगा? राइट शेयर्स इनटू राइट इश्यू प्राइस, डिवाइड बाय व्हाट? ओल्ड शेयर प्लस राइट शेयर। एक बार स्टेप 1 हो गया, मुझे एक्स राइट प्राइस मिल गई, फिर बताओ हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? पेड पार्ट, कैलकुलेट पेड पार्ट, कैलकुलेट पेड पार्ट शेयर्स, कैसे? इन्वेस्टमेंट इन राइट शेयर, कैसे? दैट इज राइट शेयर इनटू राइट शेयर प्राइस। Divide by fair value x right, step 3 bonus part equal to total right issue
टोटल राइट शेयर इश्यू माइनस पेड पार्ट, स्टेप फोर व्हाइल कैलकुलेटिंग वेटेड एवरेज कंसीडर बोनस पार्ट कब से फ्रॉम बिगिनिंग एंड पेड पार्ट फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू. नोट्स पूरी हुई हमारी, हमने नोट्स 20 लाइन कुछ छोड़ा था ना लास्ट लेक्चर में इफ यू रिमेम्बर. ये इतनी नोट थी, ये यहाँ तक थी 20 लाइन्स में, यहाँ से यहाँ तक है. हेडिंग मैंने लास्ट टाइम दिया था, बाकी आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं. ये छोटा है. स्वप्ना कैन यू रीड दिस स्क्रीन और आई शुड एनलार्ज? रीडेबल है, रीडेबल है, ठीक है. अब मैं और एक सम दे देता हूँ जो आप घर पे कर सकते हैं. तुम दे रही है ना एग्जाम मे में ना, कोचिंग ज्वाइन किया है? तो पेन ड्राइव मंगाया है? हाँ. पेन ड्राइव? ओके. बट पेन ड्राइव से कमिटमेंट रहा है आपका? नहीं, एकदम स्ट्रिक्टली कमिटमेंट है. मिनिमम स्पीड बढ़ा के देखो, स्पीड बढ़ा के, एंड लाइक 2 hours तो नॉन स्टॉप, यू कांट स्टॉप. तो मैं एक टॉपिक करना है तो मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर दे. ये वाला टॉपिक की बात करो. पेनड्राइव से मेरी स्टाइल नहीं मिलेगी ना ये टॉपिक के लिए, तो मेरे टॉपिक मेरे से इजी हो जाएगा. ये आवर स्टाइल इज बेटर देन एनीबडी एल्स स्टाइल. ये टॉपिक के लिए आप खुद ही देखेंगे, आपको वो मजा नहीं आएगा, देख लेना. चलो, और मुझे नेक्स्ट टाइम बताना कि हाँ कि क्या हुआ. बट ओनली ऑफ कोर्स यू मिस द बेसिक पार्ट, आई डोंट नो. बट तुम वो तो वीडियो नंबर 1 से भी देख सकती है ना, लेक्चर 1 से रिकॉर्डेड है ना. वो तो पेन ड्राइव ही हो गया ना. कौन सा टीचर का है? अरे वो तो बहुत अच्छा है बट बहुत लंबा है. ये उसकी यही स्टाइल है. ये नहीं, ये स्टाइल उनकी है, उनको आपको यही मेथड मिलेगी. इनफैक्ट ये सब भी उन्हीं की. इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा है. बट कभी कभी ऐसा हो जाता है, इंटरनेट से चल जाता है. जो डेबिट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए इज नंबर 1, लेकिन यहाँ डेबिट क्रेडिट का टॉपिक आता है ना, देन यू टू यूज माई नॉलेज. आई डोंट नो, आपने देखा होगा, आई डोंट नो तुमने उनका देखा है कि नहीं. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छे है, उसी को करो. बट डेबिट क्रेडिट वाले टॉपिक तुमको मेरा देखना पड़ेगा. हाँ, दिल्ली में है ना, दिल्ली में है. अभी तो लाइव लेक्चर नहीं चलता है. जब लाइव लेक्चर चलता था ना, ऑडिटोरियम में लेक्चर चलता है, 800 स्टूडेंट साथ में, उसमें थोड़े ही लोग ध्यान देते हैं, बाकी तो फिर सब बोलते हैं बालकनी वाले बच्चे लोग. ये पहले की बात कर रहा हूँ मैं, अभी तो ठीक है. चले अबे रुको, एक होमवर्क कर लो ना, एक होमवर्क सम ले लो. Yes, it will help you. फटाफट सम दे देता हूँ. क्वेश्चन नंबर क्या है? हाँ, फाइव नहीं होगा, ज्यादा होगा. फाइव तो हो गया, सिक्स.
awnings. नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा, हम इसमें भी आगे जाएंगे और डाइल्यूटेड ईपीएस सीखने वाले, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगेन सीए करने वाले को पसंद नहीं आता है, आप जो उसे अटेंड करना, डाइल्यूटेड ईपीएस सीखेंगे हम, बताओ मैं।